1992 में टाटा ग्रुप ने अपना ज्वेलरी सेगमेंट तनिष्क लॉन्च किया था। उस टाइम पे इंडियन मार्केट को लोकल सेलर्स ही डोमिनेट कर रहे थे और कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं था। पिछले फिस्कल ईयर में तनिष्क ने 32,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं टाटा ग्रुप की ये कंपनी इनिशियली एक फेलियर था? आइए इस वीडियो में समझते हैं इसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। तनिष्क ने मार्केट में कन्वेंशनल 22 कैरेट के ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करी थी 18 कैरेट के ऑर्नामेंट्स बनाकर। अब इंडिया जैसा देश जहां पर गोल्ड को एक स्टेटस सिंबल और इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदा जाता है, कोई भी कम कैरेट का गोल्ड नहीं खरीदना चाहता था। गलती को सुधारने के लिए पहले उन्होंने 22 कैरेट के ऑर्नामेंट्स बनाने शुरू किए, लेकिन अभी भी कंज्यूमर पर ट्रस्ट बनाना बाकी था, तो उसके लिए इन्होंने कैरेट मीटर लॉन्च किया जो कि गोल्ड की प्योरिटी को टेस्ट करता है। जिन केसेस में गोल्ड की प्योरिटी कम थी, तो तनिष्क ने एक ऑफर किया कि आप सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके इस गोल्ड को तनिष्क के नए ऑर्नामेंट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं और उस नई ज्वेलरी का प्रॉपर प्योरिटी सर्टिफिकेट एंड हॉलमार्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो मार्केट में अपनी हेजमनी बनाने के बाद फिर इन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया मिया, जो कि अफोर्डेबल लाइटवेट 14 कैरेट ज्वेलरी बनाता है, विच इज रनिंग सक्सेसफुली नाउ।